नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 23 अक्टूबर 2020 की। तो आज स्टार्ट करते हैं 23 अक्टूबर 2020 की करंट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरिक डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन है अपने पास सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 6 साल बाद दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज से शुरू कर दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज के करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 22 पर्यटक परियोजनाएं की घोषणा की है? ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है केरल। केरल ने हाल ही में 22 पर्यटक परियोजनाएं शुरू की हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है, हाल ही में निशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय की शुरुआत कहां से की गई है? ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे गरीब देशों को $25 बिलियन देने की घोषणा की है? तो ये कौन है? ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी है UNA, SCO, यूनेस्को, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है वर्ल्ड बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर ₹500 का जुर्माना लगा दिया गया है? ये क्वेश्चन है अपने पास में, देख लीजिए कि सिक्स क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेलवे परिसर पर थूकने पर ₹500 का जुर्माना लगा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन सुन लीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन सुन लीजिए, इसके ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में IIT मद्रास स्टार्टअप ने किस राज्य के डेयरी किसानों के लिए मुफ्त पेमेंट प्लान लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब देना है आपको, ऑप्शन है आपके सामने UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है नरेंद्र सिंह तोमर। इसका बिल्कुल राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में काति बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन सुन लीजिए, ओडिशा, असम, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में वेगा के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर देना है आपको, क्वेश्चन है अपना पास। हाल ही में वेगा के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ऑप्शन है, शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रोहित शर्मा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल में महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसका राइट आंसर बताना है आपको कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सुन लीजिए, राजस्थान, यूपी, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यूपी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की है? ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये बताना है प्रदेश में हाल ही में भारत के किस कितने प्रतिशत कृषि में निर्यात की वृद्धि हुई है, ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन है अपने पास में, देख लीजिए। इसका राइट आंसर बताना है आपको, ऑप्शन नंबर ए है 8.2%, ऑप्शन बी है 14.8%, ऑप्शन सी है 19.3% या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाता है 14.8% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए ADB के साथ $177 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ऑप्शन है, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं करंट अफेयर्स के, आगे के करंट अफेयर्स 24 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऑनलाइन स्टडी विद मानसू। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।